अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, मज़े से हूँ। वेलकम करती हूँ माय टेस्टी टेबल फूड पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम यम्मी रेसिपी, मटन बट हंडी। तो चलें, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाऊँगी, और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। तो चलें, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। जिस आप उसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्वाद नहीं आता जो हाथ से चॉप करते हैं। तो मैंने प्याज को चॉप कर ली है 3 मीडियम साइज की। और मैंने 1/2 kg मटन लिया है, ये बीफ का मटन है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि जल्दी से टेंडर हो जाए। ये प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ। वैसे तो ये मटन हांडी है, मटन बट यानी बटर हांडी। तो ये प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ ताकि फटाफट बन जाए। तो चले, मैंने अदरक लहसुन पेस्ट कुटा हुआ डाला है 1/2 चम्मच। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आप बनाना चाहेंगे तो। स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है मैंने। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी बनती है, एक बार बनाकर ज़रूर देखना मेरी स्टाइल में। तो चलिए, ये सारे पाउडर मसाले, 1/2 चम्मच जीरा, धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च पाउडर, सारे पाउडर मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। एकदम इजी और आसान तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है, तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे टेस्टी टेबल पर नहीं हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चले, मैं इसे घुमाऊंगी अच्छी तरह से, सारा मसाला एक मिक्स हो जाए। बहुत ही इजी स्टाइल में बनती है ये रेसिपी, एक बार बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाना और याद करना मुझे। इतनी टेस्टी मटन हांडी, मटन बट हांडी किसने सिखाया आपको, ये आपको पूछा करेंगे घर वाले लोग। मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड किया है इसमें कलर के लिए। इस तरह से मैं इसे घुमाती जाऊंगी ताकि सारा मसाला एक दूसरे में रस बस जाए। देखिए किस तरह से मसाला एक दूसरे में मिल गया है। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। 1 टमाटर के 2 पीस किए हैं। मैं टमाटर इस तरह से इसमें ऐड कर लूँगी। पूरी रेसिपी ध्यान से देखिएगा। इस तरह से मैंने 4 पीस हुए 2 टमाटर के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो इसे हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेंडर होने में टाइम लगता है। तो हमें इजी और आसान रेसिपी बनानी है तो हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं। मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। 1 गिलास पानी ऐड किया था मैंने इसमें टमाटर ऐड करके, फिर मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। 3 विसल आने तक मैं इसे पकाऊँगी। तो चले, 3 विसल आ चुकी है। मैं प्रेशर कुकर खोल कर देखती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है ये बीफ मटन बट हांडी। देखिए, टमाटे के सारे छिलके हम निकाल देंगे, उसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। सारे छिलके आप गरम गरम है, आपका हाथ जले नहीं, ख्याल रखिएगा। अगर बनाने जाए तो छिलके हल्के हाथ से निकालिए। सारे छिलके निकाल कर टमाटे को मैश कर लेंगे हम। बहुत ही गर्म है ये, अभी अभी कुकर खुला है तो इसकी भाप बहुत निकल रही है। तो चले, हम इसे मिलाते हैं अच्छी तरह से। मटन एकदम टेंडर हो चुका है, मैंने छोटे छोटे पीस किए थे मटन के। तो चले, ये मटन हांडी है तो इससे मैं हांडी तो लेनी ही पड़ेगी। तो चले, मैंने एक चूल्हे पे एक हांडी रख दी है, इसमें सारा प्रेशर कुकर में से मटन इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इसे पकाऊंगी, घुमा घुमा कर भूनूंगी। जितना भूनेंगे इतना ही स्वाद इसका स्वाद बढ़ेगा। इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे ताकि सारी जो प्याज है वो भी एकदम से मैसी मैसी हो जाए। अच्छी तरह से भुना जाए ये मटन। जितना मटन को भूनेंगे ना उतना ही स्वाद बढ़ेगा। अगर एक बार आप मेरी स्टाइल में बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा आपको, और घर वाले
बच्चे लूट मार मार कर खाएंगे, मांग मांग के खाएंगे कि मुझे, और बार बार कहेंगे कि वही मटन बटर हांडी बनाओ, वही मटन बटर हांडी बनाओ। मटन को अच्छी तरह से भुना है मैंने, इसमें मैंने एक चम्मच घी ऐड किया है, इसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन मैंने नहीं किया। इसमें एक चम्मच मैंने घी ऐड किया है, इसे मैं अच्छी तरह से मिलाकर भूनूंगी। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम और इसे ढक देंगे हम 10 मिनट के लिए, फिर चेक करते हैं। चलिए 10 मिनट हो चुकी है, देखे कितना अच्छा कलर आया है। ये ऑप्शनल है, आप अगर इसमें आलू बटना डालना चाहे तो स्किप कीजिए, मुझे इसमें आलू अच्छे लगते हैं इसके लिए मैंने एक आलू को इस तरह से लंबा लंबा चौक कर कर डाला है, क्योंकि मेरे घर में आलू बहुत खाते हैं बच्चे लोग, इसके लिए अच्छा लगता है आलू, तो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कीजिए। इसे ढक देती हूँ मैं 5 मिनट के लिए, आलू टेंडर हो जाए जब तक। चले 5 मिनट हो चुकी है, मैं इसे चेक करती हूँ, आलू अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इसे पीस ही ऐसे छोटे छोटे किए थे तो ये फटाफट टेंडर हो जाते हैं। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे भी पीस कर सकते हैं, मैंने इसे लंबे लंबे पीस किए हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, इतनी अच्छी है तो सोचो खाने में कितनी अच्छी होगी, कितनी जायकेदार होगी ये मटन हांडी। हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, इसे पकने देंगे, जितना ये शांति से पकेगी उतना ही इसका जायका बढ़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए। चले मैं इसमें एक चम्मच दही ऐड करूँगी, दही को मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से और इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ये खाने का 2 टीस्पून लगता है ये दही। आप इसमें ज़्यादा खट्टा लगता है उसको आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम दही डालकर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी 2 या 3। इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूंगी जो मेरा घर का होममेड मसाला है, जो मैं एक टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ही स्वाद आता है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें गरम मसाला। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मटन बीफ हांडी। मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है, ये बटर हांडी है मटन बटर हांडी तो मैं इसमें बटर तो डालना ज़रूरी है। मैंने इसमें 2 चम्मच जितना बटर ऐड किया है। मैं हरा धनिया ऐड करूंगी इसमें 1 मुट्ठी भर के, इसे अदरक के लच्छे से सजाऊंगी, हरी मिर्च से सजाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सजी धजी हांडी लग रही है ये, देखते ही खाने का दिल करेगा आपको। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, मैंने अदरक के लच्छे इसमें ऐड कर दिए हैं। मैं इसे ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। चले मैं इसे सर्व करती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसे मैं बर्तन में नहीं, वही हांडी में रखूँगी मैं, ये बीफ मटन बट हांडी है तो मैं हांडी में ही रखूँगी इसे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे फीडबैक देना और मुझे दुआ में याद रखना। जब भी ये हांडी बनाओ तो मुझे याद ज़रूर करना और मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना। आपको तो पता है वो दोनों किडनी फेलियर है तो आप उसके लिए खास 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 दुआ करना, बहुत ज़रूरी है मुझे दुआ की, आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। आप ज़रूर दुआ करें मेरे बेटे के लिए, प्लीज़ 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 मेरी मदद करें। अगर आपके यहाँ कोई किडनी डोनेट करने वाला हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।